तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और दोस्तों जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है जो मेटल और ग्लास बैक होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या मतलब कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी ज़्यादा प्रीमियम लगती है और दोस्तों कौन कौन सी मतलब कि खासियतें होती है उनमें। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम बात करें कि स्मार्टफोन में शुरू में जब यूज़ किया जाता था तो बेसिकली प्लास्टिक पैक का यूज़ किया जाता था कई स्मार्टफोन्स में, लेकिन दोस्तों जो प्लास्टिक है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था मतलब कि मेटल के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों जो प्लास्टिक था मतलब कि वो आपको अगर जैसे कि आजकल तो बैटरी लॉक होती है स्मार्टफोन्स में ही, लेकिन पहले आप बैटरी खोल लेते थे तो उसमें काफ़ी यूज़फुल रहता था। लेकिन जब स्मार्टफोन में बैटरी लॉक हो जाती थी अंदर ही, मतलब फिक्स्ड बैटरी मिलती थी आपको स्मार्टफोन में, तो आप मतलब कि अब जैसे कि ग्लास बैक और मेटल बैक की ओर जा सकते थे, इजीली जा सकते हैं। तो दोस्तों जो ग्लास बैक होती है उसमें मतलब की खासियत ये रहती है कि जो लुक होती है वो प्रीमियम होती है। और दोस्तों जो आज आप कि ज़माने में अगर आज के टाइम में देखा जाए तो बेसिकली सबसे ज़्यादा मेटल का यूज़ किया जाता है और ग्लास का यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो ग्लास का यूज़ होता है वो मतलब कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स में किया जाता था, लेकिन आजकल मतलब कि जो बजट रेंज है उसी के साथ साथ जो मिड रेंज है और स्मार्टफोन या जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है, फ्लैगशिप प्लस स्मार्टफोन्स है, हर एक में उसका यूज़ काफ़ी अच्छा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो डिज़ाइन को होता है वो प्रीमियम बनाने की कोशिश की जाती है आज की डेट में। और जो ग्लास बैक होता है वो सबसे बेस्ट रहता है किसी भी स्मार्टफोन को प्रीमियम बनाने के लिए। तो दोस्तों जो सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता था, इसका यूज़ आईफोन्स में किया जाता था, क्योंकि दोस्तों आईफोन्स काफ़ी महंगे होते थे और प्रीमियम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए इसका यूज़ सबसे पहले आईफोन्स से हुआ। और आज की डेट में तो हर एक स्मार्टफोन में इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों अगर आप बात करें जैसे कि मेटल बैक की, तो मेटल बैक की खासियत ये होता है कि मेटल बैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि दोस्तों जो मेटल बैक होती है वो अगर देखा जाए तो हीट को भी जो ट्रांसफ़र करती है, जो मतलब कि आपकी जो स्मार्टफोन फ़ोन की हीट होती है उसको रिड्यूस करने के काम भी काफ़ी पावरफुल मानी जा सकती है मेटल बैक। और दोस्तों बात की जाए इसकी कमियों की, तो दोस्तों जो सबसे पहले आप ग्लास बैक की कमियां देखें तो ग्लास बैक इजीली टूट सकता है अगर मतलब कि इतने अच्छे से यूज़ नहीं किया गया। और दोस्तों जो आपके फिंगरप्रिंट्स है वो भी उस पर ईजिली आ सकते हैं। बेसिकली जो ग्लास बैक होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, बेसिकली जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है तो उसमें अगर देखा जाए तो ग्लास बैक काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और दोस्तों अगर मेटल बैक की बात की जाए तो मेटल बैक थोड़ी सी मतलब की प्रॉब्लम ये करता है, जो सिग्नल्स होता है उसको सरपास नहीं कर पाता, और यही कमी आपको जो मतलब की ग्लास बैक्स में होती है उसमें भी देखने को मिलती है। लेकिन ग्लास बैक्स में इतनी मतलब कि इजीली इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जो मेटल बैक होती है उसमें आपको थोड़ा सा प्लास्टिक का यूज़ करना पड़ता है ताकि जो सिग्नल है वो एंटीना है जो वो कैप्चर कर सके। तो दोस्तों इसलिए जरूरी है कि मतलब कि जो ग्लास बैक और प्लास्टिक बैक के बीच में आपको डिफरेंस पता हो, ताकि आप अगली बार जब स्मार्टफोन देखो तो आपको पता हो कि कौन सी खासियत किस लिए यूज़ की जाती है और कौन सी जो चीज़ है वो काफ़ी कितनी मतलब की यूज़फुल है। और दोस्तों जो बेसिकली अगर आज के टाइम में देखा जाए तो ग्लास बैक काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन दोस्तों जो प्लास्टिक बैक है वो आज की डेट में कहीं गायब भी हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों जो प्लास्टिक बैक थी वो एक स्मार्टफोन को इतनी प्रीमियम लुक नहीं दे पाती थी, वो मतलब कि स्मार्टफोन को ख़राब करने की कोशिश मतलब कि लुक जो स्मार्टफोन की होती थी उसको ख़राब करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन दोस्तों जो पोको का स्मार्टफोन था, जैसे कि आप जानते हो कि पोको F1, तो उसमें उसका यूज़ किया गया था, और दोस्तों जो स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन थी उस लिए इसको मतलब कि एक पॉजिटिव माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं से तो कट ऑफ करना पड़ता प्राइस तो स्मार्टफोन को। तो यही था एक ओपिनियन की जो अगर आप देखें कि जो प्लास्टिक बैग है उसका भी यूज़ किया गया है इतने बढ़िया फ़ोन में, क्योंकि दोस्तों प्राइस कटिंग का काफ़ी बड़ा काम करती है एक प्लास्टिक बैग, और ये पॉजिटिव बात इसमें हमेशा रहती है। और दोस्तों जो मेटल बैग होती है वो थोड़ी सी इससे एक्सपेंसिव होती है, और जो ग्लास बैग होती है वो मोस्ट एक्सपेंसिव होती है। दोस्तों जो एक्सपेंसिव होती है इसलिए मतलब कि इसका ध्यान भी रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप
कि स्मार्टफोन के टूटने से डरते हो, तो कभी भी कि इस टाइप के स्मार्टफोन मत लेना जिसमें ग्लास बैक हो। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतनी, आप देखते हैं मेरे चैनल बीटेक पर, अपने ऐसी वीडियोस हर दिन लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों क्या आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।